केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार मंडल सदस्य व कोयला श्रमिक सभा के केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र का दौरा कर असंगठित मजदूरों के साथ वेकोली के कामगारों की समस्याओं को सुलझाने की बात की। पच्चीस जनवरी को केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार मंडल सदस्य तथा कोयला श्रमिक सभा के केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव असंगठित मजदूरों से मिलने व उनकी समस्याओं का बोध करने स्वयं संगठन के प्रमुख केंद्रीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ भट्टाड़ी एवं दुर्गापुर खुली खदान पहुंचे। खदान पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम असंगठित मजदूरों से भेंट कर उनकी हर समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। मजदूरों की समस्याओं को सुनकर HMS के केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार ने मौके पर मौजूद वेकोली अधिकारियों एवं ठेकेदारों से एवं ठेकेदार के प्रतिनिधियों से इस संबंध में जवाब तलब किया और इस दौरान HMS के केंद्रीय अध्यक्ष ने इन सभी समस्याओं को उच्च वेकुली अधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निवारण करने की बात कही। तत्पश्चात केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने चंद्रपुर रैयतवाड़ी स्थित कोयला श्रमिक सभा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और वहां उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को संबोधित किया और अपने संबोधन में समस्त उपस्थित क्षेत्रीय क्षेत्रीय तथा शाखा सदस्यों को निर्देशित किया और अपने मनोगत में उन्होंने कहा कि जिस तरह से असंगठित मजदूरों का शोषण किया जा रहा है संगठन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उनकी समस्याओं के निवारण एवं उत्थान हेतु हर एक पदाधिकारी सदैव तत्पर रहे ताकि ठेका मजदूर अपने आप को असहाय व मजबूर न समझे और यह भी कहा कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो ऊपर वाले का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलेगा। WCL के मैनेजर से लेकर WCL के CMD तक के लगातार जितना ज्यादा हो सका मैंने अपनी पूरी टीम के साथ में उनका फॉलोअप काम का लेकर काम करवाने की कोशिश। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, अच्छे काम करोगे हमेशा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है। जब हम लोग ईमानदारी से कामगारों के काम को लेकर जाना चालू किए तो विश्वास नहीं करेंगे आप कि ये दो सालों में, भले हमें तीन साल हुआ लेकिन मैं दो साल इसलिए बोलूंगा कि जो भी डिसीजन हुए सब दो सालों में हुए हैं। दो सालों में WCL में जो जो बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं वो अपने आप में सब ऐतिहासिक है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे चेहरे से या शरीर से नहीं उसके कार्यों से उसे पहचानना चाहिए और कोयला श्रमिक सभा ने अपनी पहचान कामों से बनाई है और ये पहचान मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम पूरे कोल इंडिया में अपनी बनाने जा रहे हैं क्योंकि WCL तो आपने कवर कर लिया। देखिए जब 2018 में पहली बार मौका मिला मेंबरशिप करने का तो हम चौथे नंबर की यूनियन थी, उसको आपने एक स्टेप आगे करके तीसरे नंबर पे ले गए। दूसरी बार मौका मिला आप उसको दूसरे नंबर पे लेके आए। अब जैसे ही मौका मिलेगा अपने को पहले नंबर से कोई नहीं रोकेगा, ये तय है। इस कार्यक्रम के दौरान अन्य संगठनों से आए लगभग 25 कामगार साथियों ने HMS संगठन की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी सदस्यों का पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया। केंद्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव के साथ खदान के भ्रमण एवं संगठन के कार्यक्रम में केंद्रीय महामंत्री फ्रांसिस दारा, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दीपू पिल्ले, वेकुली कल्याण मंडल सदस्य विजय सिंह, वेकुली सुरक्षा मंडल सदस्य जितेंद्र सिंह मल, महंगी यादव, अखिलेश सिंह, पराग वैद्य, प्रकाश टोटावार, नागेश रेड्डी, शरद धांडे, सुदामा यादव, सैजुद्दीन डी सामैया, नगर सेवक सचिन भोयर, इलियास अहमद, साबिर सिद्दीकी, राकेश यादव, चंद्रमान सिंह, वेंकटेश सूरा, संजय मिसलवार, विजय घोनमोड़े, सतीश चंदेल, राजू लाल झरिया, घनश्याम यादव, बदन दुबे, प्रशांत अडूर, राकेश खोबराकड़े, शिवा मिनरवार, मुंडला तिरुपति, प्रदीप प्रसाद, मोहन राव आदि की प्रमुखता से उपस्थिति रही।